welcome students today we are going to discuss about phylum xylenterata it is the second phylum of animal kingdom phylum xylenterata is also called nidaria phylum this phylum includes jellyfishes and other xylenterates let we discuss about details in the phylum xylenterata myself Priyanjan tripathi and you are watching my youtube channel please subscribe my channel एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेसन ये वीडियो मैं हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं ये जो सिलेंटरेटा फाइलम है इसका जो स्टडी है इसको निडोलॉजी बोलते हैं क्योंकि सिलेंटरेटा निडारिया भी बोलते हैं टर्म सिलेंटरेटा वॉज कॉइंड बाय ल्यूकट इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेबल है बॉडी प्लान जो है वो ब्लाइंड सेक्ट टाइप है सिमेट्री बाईलैक्ट्रियल सिमेट्री तो नहीं है इसका रेडियल सिमेट्री है और इसका जो जॉर्म लेयर है दो टाइप का है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दैट मीन्स डिप्लोब्लास्टिक जॉर्म लेयर अब इसका हम देखेंगे हैबिटेट ये कहाँ पर दिखाई देता है इसका ये मोस्टली एक्वाटिक है मेरा इन वाटर में मोस्टली दिखाई देता है <coughs> लेकिन फ्रेश वाटर में भी कुछ सिलेंडरेटर रहते हैं जैसे कि हाइड्रा और इनका जो बॉडी कैविटी है उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं और इसका जो मेन जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नीडोब्लास्ट नीडोब्लास्ट एक सेल है जो कि डिफेंस में हेल्प करता है फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है और अटैचमेंट में भी हेल्प करता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका डाइजेशन जो कि बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर टाइप है सम सिलेंटरेटा होते हैं जिनका स्केलेटन होता है और ये जो स्केलेटन है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है फॉर एग्जाम्पल कोरल्स कोरल रिप जो वो सब बनते हैं उनका स्केलेटन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है निडारिया का जो लाइफ साइकिल है वो डाइमॉर्फिक है मतलब टू बेसिक बॉडी फॉर्म है एक है पॉलिप और दूसरा है मेडुसा। ये जो पॉलिप फॉर्म है ये असेक्सुअल फॉर्म और ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और जो मेडुसा होता है वो सेक्सुअल फॉर्म होता है और अम्ब्रेला सेप होता है ये जो पॉलिप होता है वो सेसाइल होता है मतलब कांस्टेंट। इसका मूवमेंट नहीं होता है एग्जांपल है हाइड्रा एडमासिया इनका एक ही फॉर्म दिखाई देता है वो है पॉलिप फॉर्म और जो मेडुसा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है मतलब मूव करता है और इसका जो फॉर्म है इसका जो एग्जाम्पल है वो है औरलिया औरलिया को हम जेली फिश भी बोलते हैं लेकिन कुछ सिलेंडरटा होता है जो कि बोथ फॉर्म दिखाई देता है बोथ पॉलिप एंड मेडुसा उसका एग्जाम्पल है हमारा ओबेलिया ओबेलिया का दो फॉर्म दिखाई देता है पॉलिप से मेडुसा बनता है और मेडुसा से पॉलिप बनता है इसलिए इनका जो लाइफ साइकिल है उसको डाइमॉर्फिक लाइफ साइकिल बोलते हैं ठीक है अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका क्या क्या सब है सिलेंटरेटा एटा में एक है फाइजलिया जिसको पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वार भी बोलते हैं और एक है एडमासिया जिसको सी एनिमन बोलते हैं और एक है पेनाटोला पेनाटोला को सी पेन बोलते हैं और एक गॉर्गोनिया है गॉर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं और एक है मेड्रीना है मैडरीना को हम ब्रेन कोरल भी बोलते हैं इसका डायग्राम आप देख सकते हैं औरिले का कैसा है ओबेलिया का कैसा है यहाँ पर देखो सब एग्जाम्पल सब दिया है हाइड्रा ओरेलिया फाइजलिया मेड्रिनिया और एडमासिया एडमासिया को सियाने बोलते हैं एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में आता है कौन सा एग्जाम्पल कौन सा फाइलम का है ये आपको सब याद रखना है ठीक है अब हम थोड़ा डायग्राम देखेंगे देखेंगे पॉलिप एंड मेडोसा का अब ये देखिए पॉलिप थोड़ा सा सिलेंड्रिकल है और मेडुसा थोड़ा सा का अम्ब्रेला सेप है और ये जो मूवमेंट अगर हम देखेंगे लोकोमोशन तो पॉलिप का लोकोमोशन नहीं है ये सेसाइल है लेकिन मेडुसा का जो लोकोमोशन वो फ्री स्विमिंग है मतलब वो मूवमेंट करता है ठीक है हाइड्रा एक पॉलिप है एक पॉलिप है लेकिन औरलिया मेडुसा फॉर्म में रहता है लेकिन ओबेलिया के बार बात करेंगे तो वो दो फॉर्म में दिखाई देता है डाइमॉर्फिक लाइफ साइकिल अब यहाँ देखो पॉलिप वर्सेस मेडुसा का डायग्राम दिया है ये जो देखो हाइड्रा का एक डायग्राम है जो कि पॉलिप है उसका माउथ को हाइपोस्टोम बोलते हैं उसका माउथ अनस एक ही पोर है क्योंकि इसका जो जॉर्म लेयर है डिप्लो है और ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है याद रखो जिसका ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा उसका माउथ एंड एन एस एक ही होगा मतलब सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट और इनका जो बॉडी कैविटी है उसको पैरा कैविटी या फिर गैस्ट्रो भैस्कुलर कैविटी बोलते हैं जिसके अंदर फूड डाइजेशन होता है और इनका जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल है इसको नीडोब्लास्ट बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है क्योंकि नीडोब्लास्ट ओनली फाउंड इन सिलेंटरेटा नीडोब्लास्ट का एक थ्रेड होता है और एक नेमाटोसिस्ट होता है ये जो नेमाटोसिस्ट सेल है ये तीन काम में यूज होता है मैंने पहले बोला था अब मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूँ एक फंक्शन है अटैचमेंट सेकंड फंक्शन है डिफेंस और थर्ड फंक्शन है फूड कैप्चरिंग ये तीनों फंक्शन ये करता है इसको स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये इसमें से पॉइजन रिलीज होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है सिलेंडर एटा का इसको याद रखना है इसके बाद सिलेंडर एटा के बाद हम नेक्स्ट फाइल हम देखेंगे टीनोफोरा और टीनोफोरा के का वीडियो में इसके बाद अपलोड करूँगा आप देखते रहिए और स्टडी कीजिए थैंक यू